चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले, देश मसाले, सुख समृद्धि और मन में भक्ति भाव के लिए लाए किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। धरती पर जले आकाश तक महके किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर रजरप्पा प्रोजेक्ट स्थित रजरप्पा कांग्रेस मजदूर यूनियन कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामगढ़ विधायक ममता देवी जी उपस्थित हुई। कार्यक्रम का संचालन चंद्रशेखर पटवा ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक ममता देवी ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही मौके पर उपस्थित ममता देवी ने कहा कि भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पूरे भारत में एक मजबूत महिला के रूप में पूरे भारत की नेतृत्व करता थी। उन्होंने हमारे देश को एक नई राह दिखाई और पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। साथ ही उन्होंने वर्तमान में शासित सरकार के निर्णयों को लेकर खूब बरसी और कहा केंद्र सरकार जनता को छलने का कार्य कर रही है। इस दौरान कार्यक्रम का समापन कांग्रेस नेत्री जोया परवीन ने की। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मण महतो, कांग्रेस नेता हाजी अख्तर आजाद, राजेंद्र चौधरी, भोला दांगी, गौरी शंकर महतो, सैफी आदि उपस्थित थे। मोहम्मद उबैदुल्ला शमसी की रिपोर्ट। माध्यम से क्या संदेश देना चाहते? आज बहुत ही शुभ दिन, आज एक तो छठ पर्व है और साथ ही आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती भी है। आज ही के दिन इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक प्रसिद्ध नेहरू परिवार में हुआ। शिव तिवारी इन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी राजनीति से एक अलग छवि, एक अलग पहचान बनाई है, जिनकी वजह से आज ही इनको याद किया जाता है। और साथ ही इंदिरा गांधी जी का जो सपना था कि ये भारत गरीबी मुक्त भारत होना चाहिए, जो कि सपना आज ही अधूरा है, और इस सपने को साकार करने के लिए हम सबको एकजुटता के साथ रहने की जरूरत है। और साथ ही इनके जो विचार थे, इनके जो उद्देश्य थे, ये विचार सभी के जहन में होना चाहिए, और इसके लिए हम सबको एकजुटता के साथ रहना है। और फिर से इस जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत बधाई।